नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा को दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई और खूब देखी जा रही है। उनकी इस अंतिम फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी, फिल्म में उनका नाम किजी है। फिल्म और प्रोमो में संजना को उनके नाक में एक पाइप लगी हुई के साथ देखा जाता है, जो एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी होती है। किजी हमेशा अपने साथ वो सिलेंडर ढोती हैं। दर्शक सोचते हैं कि आखिर उन्हें कौन सी बीमारी है। तो बता दें कि किजी को थायराइड कैंसर है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये बीमारी, ये कैसे होती है और इसके लक्षण और इसका इलाज क्या है। बात करें थायराइड कैंसर की तो यह बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो गर्दन के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है। हार्मोन का स्राव करना इसका काम होता है, लेकिन कई बार आनुवांशिक या अन्य कई कारणों से इस ग्रंथि के साथ बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा होना व्यक्ति के लिए कई तरह से खतरनाक हो सकता है। कैंसर यानी असामान्य रूप से कोशिकाओं का बढ़ता जाना। जब थायराइड ग्रंथि में असमान कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो यह थायराइड कैंसर कहलाता है। अगर इसका इलाज समय से नहीं कराया गया तो यह बड़ी समस्या हो सकती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। थायराइड कैंसर के लक्षण: गर्दन में गांठ पड़ना, ठंड न होते हुए भी खांसी की समस्या होना, गला बैठना या फिर आवाज में परिवर्तन, गर्दन में सूजन होना, खाना निगलने में कठिनाई होना, कर्कश आवाज। इसके अलावा स्किन और बालों का ड्राई होना, आँख संबंधी समस्या होना, सोचने और बोलने की क्षमता पर प्रभाव पड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, वजन घटना या फिर बढ़ना, ये सभी लक्षण इस बीमारी के हैं। बता दें यह एक आनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है, यानी कि परिवार की पिछली पीढ़ियों में किसी को यह बीमारी रही हो, या फिर आयोडीन की कमी के कारण भी थायराइड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द लक्षणों पर गौर करके इसका इलाज शुरू किया जाए। कई बार थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। इस स्थिति में कृत्रिम थायराइड ग्रंथि का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैंसर का उपचार रेडियोधर्मी आयोडीन की मदद से भी किया जाता है। मरीज को ये दोबारा न हो इसके लिए इसे खुद का पूरा ध्यान रखना पड़ता है।